खबर जनपद मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र से है, जहां गड़िया छिनकोरा के रहने वाले धनपाल का अपनी पत्नी से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में पति ने अपनी पत्नी को फावड़े से काट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति ने पहले चाकू से गला रेता, फिर फावड़े से काट डाला। बताते चलें कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी 13 साल पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। आरोपी घटना को कारित कर अपने दोनों बेटों को लेकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसे पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आरोपी की पुत्री ने बताया, पापा और मम्मी आपस में झगड़ा करने लगे। पुत्री ने जंगले से पूरी घटना देखी। पुत्री ने बताया कि पापा ने कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया था। पुत्री के अनुसार पिता शराब पीने का आदी है। पुत्री ने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं इस रिपोर्ट में। क्या घटना घटी आज? चक्कू से मारा है। हमने सब देख लिया था। अब मेरे भैया ने देखा तो छोटे वाले ने। आपको कैसे पता लगा? मैं मुकलाम में सर मुझे डांट दिया मैंने सब देखा। उसके बाद क्या हुआ? मैंने सम्मा कुंडी खुलवाई नहीं खोली। उसके बाद कुंडी खुली तो मैंने डाला, तोड़ते रहे नहीं टूटा। तो मैंने चाबी ढूंढी, जब मुझे चाबी मिली तब मैंने ताला खोला। तब सांसें चल रही थी मेरी मम्मी की, तब मैंने पानी डाला, फिर वो बोली नहीं। ये घटना मतलब किसने की है? मेरे पापा ने। आपने देखा था? हाँ। उस समय आप कहाँ थी? मैं एक मुखिया था, उसमें देख रही थी। मतलब आपको कमरे में बंद कर दिया था? नहीं, मुझे बंद कर दिया था आंगन में है, और मम्मी को कमरे में बंद करके मारा। किस गांव की बात है ये? कहाँ रहती हो? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।